हेलो ट्रेडर्स, इस वीडियो के जरिए हम बात करेंगे सर इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में, जिन स्टॉक्स में हम मार्निंग के सेशन में इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर हम 2 अगस्त की बात करते हैं तो 2 अगस्त के दिन इन स्टॉक में अच्छी प्रॉफिट हमें देखने को मिल सकते हैं अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो। तो मानने के लिए हमारा पहला इंट्राडे स्टॉक होने वाला है हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर का स्टॉक्स में देखिए, यहाँ पर कप एंड हैंडल का पैटर्न फॉर्म हो रहा है। ये होता है कप और ये होता है हैंडल, और कप एंड हैंडल का पैटर्न जब भी फॉर्म होता है तो स्टॉक्स एक अपसाइड मोमेंटम दे देते हैं। तो इसके हिसाब से कह सकते हो कि मान लिया अगर इस लेवल ब्रेक कर, ये जो ऊपर का लेवल है मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर इस लेवल ब्रेक कर दे तो सपोर्ट की तरफ रेजिस्टेंस की तरफ काम कर रहे हैं। 2-3 टाइम ये पे रेजिस्टेंस ले लिया है, ये लेवल ब्रेक कर दे इसके ऊपर कुछ टाइम होल्ड कर जाए तो बड़ा मूव मिल सकता है हमें बाय के लिए। तो हम इस लेवल के ऊपर बाय करेंगे, 2647 लेवल के ऊपर स्टॉक्स में बाय बनेगा। पहला टारगेट 2665, दूसरा टारगेट 2667 एंड 2635 का लेवल पे हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर पे सिर्फ बाय का ऑप्शन से देखने को मिल रहा है, क्योंकि कप एंड हैंडल सिर्फ बाय का ही पैटर्न हमें मिलता है। दूसरा इंटर स्टॉक्स की बात कर लेते हैं तो होगा एजेस लॉजिस्टिक्स। एजेस लॉजिस्टिक्स का स्टॉक्स में अगर देखा जाए तो यहाँ पर राइजिंग विज का पैटर्न फॉर्म हो रहा है। आप देखेंगे इसे बहुत ही अच्छी तरफ से राइजिंग विज का पैटर्न, आप कह सकते हैं इन दोनों रेंज के बीच में आप ट्रेड कर रहा है। और राइजिंग विज, तो राइजिंग विज में हमेशा यहाँ से ब्रेक डाउन मिल जाता है। तो हम क्या करेंगे, देखिए अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है मंडे और यहाँ पर स्टे कर जाता है, इसके नीचे कुछ टाइम होल्ड कर जाए, स्टे कर जाए, तो बड़ा फॉल कर सकते हैं स्टॉक्स ने। तो जैसे सपोर्ट लेवल ब्रेक करेगा स्टॉक्स में सेल बनेगा। 255 का लेवल के नीचे स्टॉक्स में सेल बनेंगे। पहला टारगेट 252, दूसरा टारगेट 251 एंड 258 का लेवल पे हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। बाइंग साइड के लिए दिखा जाए तो बाई तभी बनेगा जब ये स्टॉक्स यहाँ पर सपोर्ट लेगा और ऊपर जाएगा और इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर जाएगा। रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक करेगा तो स्टॉक्स में बाई बनेगा। 267 में स्टॉक्स में बाई बनेगा। पहला टारगेट 270, दूसरा टारगेट 271 एंड 264 का लेवल पे हम स्टॉप लॉस लगा सकते हो। फिलहाल यहाँ पर राइजिंग हुई से तो ब्रेक डाउन मिलने का चांस खूब ज़्यादा है, तो आप सेलिंग के लिए ज़्यादा एक्टिव रहिएगा। तीसरा इंट्राडे स्टॉक्स की बात करते हैं, तीसरा इंट्राडे स्टॉक होंगे कैनरा बैंक। तो कैनरा बैंक का स्टॉक्स में अगर दिखा जाए तो देखिए यहाँ पर रेंज बाउंस हो रहे हैं। आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर सिमेट्रिकल ट्रायंगल का पैटर्न फॉर्म हो रहा है, और सिमेट्रिकल ट्रायंगल जैसे फॉर्म होता है तो आप कह सकते हो कि ब्रेकआउट भी मिल सकते हैं और ब्रेकडाउन भी। नीचे का जो लेवल है, पहले तो देखिए यहाँ पर एक सपोर्ट है, दूसरी बार वही लेवल्स, तीसरी बार वही लेवल्स, और आज देखिए वही लेवल्स पर सपोर्ट ले लिया, मतलब चौथी टाइम वही लेवल्स पर सपोर्ट ले रहा है। लेकिन मंडे के सेशन में अगर इस सपोर्ट लेवल ब्रेक कर जाता है और इसकी नीचे होल्ड कर जाता है तो बड़ा फॉल कर सकता है। जैसे सपोर्ट ब्रेक होगा स्टॉक्स में सेल बनेंगे। 221 का लेवल के नीचे स्टॉक्स में सेल बनेगा। ये बाय नहीं, ये सेल है दोस्तों, थोड़ी सी लैपिंग मिस्टेक। टारगेट होगा 219, दूसरा टारगेट 218 एंड 223 का लेवल पे हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ये होगा इस सेलिंग साइड में, और बाय का साइड में हमें तभी मौका मिलेगा जब स्टॉक जो है इस सपोर्ट में सपोर्ट लेगा, या से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा और इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट दे देगा। इस रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट मिले तो स्टॉक्स में बाय बनेंगे। 289 का लेवल के ऊपर स्टॉक्स में बाय बनेगा। पहला टारगेट 292, दूसरा टारगेट 293 एंड 286 का लेवल पे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो यहाँ पर भी हम बाय या सेल दोनों के लिए फिलहाल देख सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। चौथा इंटर स्टॉक्स की बात करेंगे तो मंडे के सेशन के लिए हमारा चौथा इंटर स्टॉक होंगे इस AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में क्या हो रहा है, देखिए आप अगर यहाँ से देखते हैं तो देखिए यहाँ पर राउंडिंग बॉटम का पैटर्न फॉर्म हो रहा है, बड़ी कैंडल में, बड़ी पैटर्न में अगर देखते हैं। लेकिन अगर आप यहीं से शुरू करते हैं तो देखिए क्या हो रहा है, रेंज बाउंस हो रहा है यहाँ से, इन दोनों रेंज के बीच में ट्रेड कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर हमें दोनों साइड में मौका मिल सकते हैं मंडे। पहला साइड देखिए, अगर इस स्टॉक्स यहीं से इस सपोर्ट ब्रेक कर जाए तो ट्रेंड लाइन है, सपोर्ट की तरफ काम कर रहे हैं। फिलहाल 2-3 टाइम यही लेवल पर सपोर्ट ले लिया है। ये सपोर्ट लेवल ब्रेक कर जाता है तो बड़ा फॉल कर सकते हैं। सपोर्ट ब्रेक होता है तो स्टॉक्स में सेल बनेंगे। 590 रुपये के नीचे स्टॉक्स में सेल बनेगा। पहला टारगेट होंगे 585 रुपया, दूसरा टारगेट 584 रुपया और 594 रुपये का लेवल पे हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। लेकिन बाइंग साइड के लिए भी मौका मिल सकते हैं, और हमें तभी मिलेंगे जब ये लेवल ब्रेक करेगा, ये जो रेजिस्टेंस लेवल है, मतलब यहाँ पर अटैम्प्ट किया था, ब्रेक नहीं कर पाया तो फॉल हुआ, और आज जाके फिर वही लेवल पर क्लोजिंग दे रहा है। ये लेवल अगर टूट जाता है, इसके ऊपर जाता है, मतलब स्टॉक्स में आप मूवमेंट मिल सकता है, तो स्टॉक्स में बाई कर सकते हो आप। 601 रुपये का ऊपर स्टॉक्स में बाई बनेंगे। टारगेट होगा 605 रुपया, दूसरा टारगेट 606 रुपया और 597 रुपये पे स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो ये सारे स्टॉक्स आप मंडे के सेशन में ट्रेड कर सकते हो, आप इसे ट्रेड कर सकते हो इंट्राडे के लिए, और अच्छी मूव हमें मिल सकते हैं मंडे के सेशन में।
वैसे सारे अपडेट आपको मेरा टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। कोई भी आप ब्रेकआउट मिलता है या ब्रेकडाउन तो आपको लाइव मार्केट में टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाता है। तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। मान लीजिए अगर हम निफ्टी के लेवल्स को देखते हैं तो देखिए इंट्राडे के लिए क्या क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं। फिलहाल दो जोन यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है। पहला जो जोन है 17155 का लेवल्स, और दूसरा जो जोन है यहाँ पर वो 17050 का लेवल्स। ये दो लेवल्स ही आपको इंट्राडे में काम आ सकते हैं मंडे के सेशन में। वैसे अगर 17150 का लेवल को ब्रेक कर जाए मंडे, इस लेवल के ऊपर ओपन हो और यहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड कर जाते हैं, होल्ड कर जाते हैं, तो यही से शार्प मोमेंटम मिल सकते हैं ऊपर की तरफ, तो आप कॉल के लिए जा सकते हो। अदरवाइज़ अगर ये 17150 के नीचे ही कोई ओपन हो तो कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद फॉल कर सकते हैं। अगर कुछ टाइम इसके नीचे ओपन होकर स्पेंड कर जाते हैं तो आप पुट के लिए जा सकते हो, क्योंकि फॉल करने का पूरा चांस है। लेकिन अगर ये 17150 को ब्रेक कर जाए तो शार्प मोमेंटम फिर से मिलेगा फॉलिंग साइड में, यानी डाउन साइड में अगर हम बात करें। तो दूसरा सपोर्ट निकल कर आ जाते हैं 16950 का लेवल। फिलहाल सोना इतना नीचे नहीं जाने वाला है, आप मोमेंट का ही आप इशारा कर सकते हो। मतलब अगर ये 17150 के ऊपर ओपन हो तो फिर से शार्प मोमेंटम ऊपर साइड में देखने को मिलेगा। तो ये लेवल्स इंपॉर्टेंट है 17150 का लेवल मानने की सीजन के लिए। और अगर बैंक निफ्टी को देखा जाए तो बैंक निफ्टी कैसा काम कर सकते हैं, चलिए वो भी हम देख लेते हैं। चलिए बैंक निफ्टी फिलहाल यहाँ पर वही लेवल्स दो जोन यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है मानने की सीजन में। चलिए पहला जो जोन यहाँ पर निकल कर रहा है बैंक निफ्टी के लिए वो 37520 का लेवल्स। दूसरा जोन यहाँ पर निकल कर रहा है 37320 का लेवल्स। ये दो लेवल्स क्यों इंपॉर्टेंट है, तो देखिए इन दोनों रेंज के बीच में जो फ्राइडे को यहाँ पर ट्रेड किया, तो आप कह सकते हो कि बैंक निफ्टी अगर 37520 को ब्रेक कर दे ये लेवल्स, तो यह से आपको फिर से शार्प मोमेंटम मिल सकती है ऊपर की तरफ। और पहला रेजिस्टेंस निकल कर आ जाता है 37750 का लेवल्स पे। ये लेवल टूटे तो आज से मोब और मिल सकते हैं। अगर ये 37520 के नीचे ही कोई ओपन हो तो फिर से इसे फॉल कर सकते हैं, और इसे एक बार फिर से 37300 का लेवल को रिटेस्ट कर सकते हैं। ये लेवल अगर फिर से रिटेस्ट हो जाए तो आप फिर से कॉल ले सकते हो और फिर से वही लेवल्स मतलब 37500 का टारगेट आप रख सकते हो। तो ये एक जोन है जो मानने के सेशन में आपको देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में।